नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा छोटे छोटे रोज फ्लावर प्लांट को आप बूशी कैसे बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन सभी रोजारियन के लिए मैं देना चाहूँगा। जितने गार्डनर है ऑल ओवर इंडिया में, सबके लिए आज एक संदेश है, एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़रूरी सूचनाएं हैं। आप जो भी गार्डनर हैं, सभी के लिए ये सूचनाएं हैं। काइंडली आप अच्छे से सुनिए और देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऑनलाइन रोज कंपटीशन हुआ था, यानी कि रोज एग्जीबिशन हुआ था, रोज शो हुआ था, जो कि नासिक रोज सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गए थे, जिनमें नासिक रोज सोसाइटी की सेक्रेटरी डॉक्टर धनंजय गुजराती है, वो डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लास्ट ईयर जैसे कि नासिक रोज सोसाइटी के लिए भी अलग हुआ था और ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया के लिए अलग हुआ था, इस बार ओनली फॉर ऑल इंडिया बेसिस ऑनलाइन रोज शो होने वाला है। और इसके लिए आपको 10 तारीख से लेके 25 तारीख के अंदर, यानी कि 10 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस साल के लिए जो रोज कंपटीशन हो रहा है, हर बंदा के लिए है, हर इंसान के लिए है। जो भी गार्डनर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और स्क्रीन के ऊपर एक नंबर देख पा रहे हैं आप डॉक्टर धनंजय गुजराती की, आप इनसे काइंडली कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। और ये रोज शो जो है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होने वाला है, यानी कि 5 दिन के लिए होंगे। 5 दिन के लिए ये रोज शो चलेगा, ऑलमोस्ट एक से ले मान लीजिए 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, ऐसे करें फरवरी की फर्स्ट वीक में होंगे। तो आप जो भी रोजारियन या गार्डनर रोज शो में जाना चाहते थे, जो ऑफलाइन रोज शो में जाना चाहते थे, आप नहीं जा पा रहे, काइंडली आप ऑनलाइन रोज शो में एंट्री ले सकते हैं और आपका ऑलमोस्ट 5 एंट्री हो सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मैं दे दूंगा और आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर धनंजय गुजराती से आप काइंडली संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्तों के मन में लगा हुआ रहते हैं, मैं मेरा छोटे छोटे प्लांट को कैसे बुशी बना लेता हूँ, देखिए ये नवंबर मंथ की 15 तारीख को मैंने प्लांट ग्रो किए थे, वो प्लांट मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये एक प्लांट है, ये देखिए, पुष्पांजलि अशोक नर्सरी से मैंने परचेस किए थे और नवंबर की 15 तारीख को इसको मैंने सॉयल में लगाया था, इसको मैंने शिंडर में लगाया था, ये भी शिंडर में लगाए थे। ये बटन रोज है, ये देखिए, इसमें नीचे से बेसल शूट्स आ रहा है और बहुत ही अच्छा बुशी है। यानी कि जितनी फ्लावर प्लांट देख रहे हैं यहाँ पर, 4 फ्लावर प्लांट है, सभी बुशी है और एक साथ मैंने लगाए थे 6 इंच के पॉट में, 2 है शिंडर में, 2 है सॉयल में। तो ये जो प्लांट है, इसको बुशी करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा बेबी फीडिंग, यानी कि बेबी रोज फ्लावर की जो फीडिंग है। ऊपर मैं आई बटन में एक लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसको आप देखिए। बेबी फीडिंग आपको 1 महीना तक देना है, 1 महीना बाद जो फीडिंग चेंज करना है वो धीरे धीरे करके मैं और भी वीडियो लेके आते जा रहा हूँ और उस वीडियो को आप फॉलो करते रहेगा। साथ में जिस टाइम आपकी फ्लावर प्लांट का एज ऑलमोस्ट 2 महीना हो जाएंगे, उस टाइम जो आपको करना है, 2 महीने बाद जो सॉयल मीडिया में आपका फ्लावर प्लांट है, देखिए सॉयल मीडिया में फ्लावर प्लांट है, इसका अभी रिपोर्टिंग कर देना है, यानी कि 6 इंच से अभी आपको 8 इंच में शिफ्ट करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2 महीने बाद जो मैंने फर्टिलाइजर चालू किए हैं, सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है, 1 महीना बाद से इसको सॉयल में, 1 महीना बाद से मैंने मेरा जो मिक्स फर्टिलाइजर है, ग्रीन गार्डन का जो मिक्स फर्टिलाइजर है, उस फर्टिलाइजर को देना स्टार्ट किया है।
ये जो मिक्स फर्टिलाइजर है, ये मिक्स फर्टिलाइजर को हम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजल्व करके इस फ्लावर प्लांट को 250 ml करके हफ्ते में 2 बार प्रोवाइड कराते हैं। एक बार ह्यूमिक एसिड के साथ, 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड पर लीटर वाटर के साथ, और एक बार प्लेन देते हैं। ये हम हफ्ते में 2 बार देते हैं। उसके बाद ये जो रिजल्ट है सॉयल में, देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 10 दिन में एक बार मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि मोबोमिन और एम्पोक्सिलिन कम्बी 2, मुझे ये दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, इसलिए मैं ये दोनों के नाम आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही अच्छा है, आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर वाटर स्प्रे करते हैं। ये मेरा फर्टिलाइजर है, हफ्ते में एक बार मैं जो देता हूँ, मस्टर्ड केक प्लस DAP लिक्विड फर्टिलाइजर। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ और भी शेयर किए थे। आप मान लीजिए 10 फ्लावर प्लांट के लिए तैयार करेंगे, तो 10 फ्लावर प्लांट के लिए आपको 30 ग्राम मस्टर्ड केक और 10 ग्राम DAP ग्रैनुल्स होना चाहिए। 4 दिन के लिए आप 1 लीटर पानी में डिजल्व करके रख दीजिए और ठीक 4 दिन बाद उसमें 4 लीटर पानी ऐड कर लीजिए, टोटल 5 लीटर हो जाएगा। और 5 लीटर होने के बाद ये जो 6 इंच की पॉट है, इसमें 250 ml देना है, ओनली 250 ml, वीकली एक बार इतना ही देना है। जो फर्टिलाइजर मैंने बताया, यही फर्टिलाइजर आपको देना है। और जो शिंडर मीडिया है, ये शिंडर मीडिया के लिए आपको ग्रीन गार्डन का रोज मिक्स फर्टिलाइजर आपको देना है वीकली 4 बार। एक बार ह्यूमिक एसिड 2 ml या 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में डिजल्व करें और 2 ग्राम मिक्स फर्टिलाइजर डिजल्व करें और इस प्लांट को 250 ml दे दीजिए, ये हफ्ते में एक बार। और 3 बार क्या करेंगे, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजल्व करेंगे और 250 ml इस पॉट को दे देंगे हफ्ते में 3 बार। तो ये हो गया अपना 4 बार। और एक बार आपको देना है DAP प्लस मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे पहले मैंने बताया वैसे ही तैयार करेंगे और देंगे। ये हो गया टोटल 5 टाइम, यानी कि 5 बार आपको शिंडर मीडिया में देना है। ये देखिए मैं देता हूँ तो, और उसका जो रिजल्ट है, 10 दिन में एक बार मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करना है। और इसके साथ जिस टाइम 2 महीने हो जाएंगे अपने शिंडर मीडिया में लगाए हैं, उसके बाद जो करना है, ये देखिए काली मैंने इसमें किए हैं और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। और ये जो फ्लावर प्लांट है, ये फ्लावर प्लांट अभी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे से रूट आना स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी रूट नीचे से आने लगे हैं। और एक बात जो बहुत ही मेन टॉपिक है, वो टॉपिक ये है, अभी आपका फ्लावर प्लांट में फ्लावर खिलने लगा है, ये देखिए बर्ड्स आ गया है और आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको फ्लावर देखना है, रखना है, आपको बहुत पसंद है फ्लावर, इसलिए आपकी फ्लावर प्लांट बुशी नहीं हो पाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यही करना है, जितनी भी फ्लावर प्लांट में फ्लावर है, जब तक आपकी फ्लावर प्लांट बुशी नहीं होते तब तक कोई भी फ्लावर नहीं रखा जा सकता। ये देखिए ये जो बार्ड्स है, यहाँ से कट करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, नीचे से पिंच नहीं करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। आपको डिसबर्डिंग करना है, और आप अगर डिसबर्डिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका फ्लावर प्लांट बुशी नहीं होगा। आप कितने भी फर्टिलाइजर देंगे, ये देखिए डिसबर्डिंग कर दिए हैं। ये देखिए ऊपर से जितने भी बार्ड्स होंगे, ये थोड़ा सा और बड़े हो जाए उसके बाद मैं तोड़ूँगा, 1 2 3 4 5 5 6, इसमें 6 बार्ड्स और आएंगे एक साथ, तो मैं 6 बार टोटली काट कर दूंगा। और काट करेंगे तो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, उसके बाद और भी ब्रांच आएंगे और आराम से नीचे से भी वेसल शूट्स आएगा। ऐसे करके आपको डिसबर्डिंग करना है। इसमें देखिए एक बार्ड्स मैंने काट कर दिए, एक बार्ड से आएंगे, थोड़ी सी और बड़े हो जाएंगे, फिर इसको काट करेंगे, यहाँ से बार्ड्स आएगा काट करेंगे, ये देखिए एक बार्ड्स यहाँ पर है, इसको भी काट करेंगे, जितने भी बार्ड्स है पूरे काट करेंगे। और ये देखिए ये फ्लावर प्लांट में फ्लावर की बार्ड्स थोड़ी बड़े हो गए, तो इसको यहाँ से हमको कट कर देना है, ब्रांच कट नहीं करेंगे, ये देखिए ब्रांच कट नहीं करेंगे, ऐसे करके कट कर देना है। कई बार ऐसा लगते हैं
जी हमको फ्लावर लेना है। ये देखिए एक फ्लावर तो मैंने लिए भी थे, दिखाते हैं। ये देखिए एक फ्लावर मैंने लिए थे, मुझे देखना था किस टाइप का फ्लावर आते हैं, अच्छा फ्लावर था। उसके बाद अभी और कोई भी फ्लावर नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लावर अगर लेंगे तो आपका फ्लावर प्लांट बुशी नहीं बनेगा। और ठीक 2 महीना बाद, जैसे ये प्लांट है 2 महीने बाद आपको इसको रिपोर्टिंग करना है। ये देखिए इसमें जो बेसल शूट्स आ रहा है, एक नहीं है, 3-3 बेसल शूट्स आ रहा है, देखिए बहुत अच्छा से। और अभी इसमें मैंने बहुत सारे फ्लावर ले लिए थे। मैं भी आप लोगों की जैसा कभी कभी एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि ये फ्लावर कैसे आ रहा है देखने के लिए, तो कई बार मेरा फ्लावर प्लांट भी बुशी नहीं बन पाते। ऐसे आपके पास अगर बटन रोज होंगे तो ऐसे करके आप काट करें, पूरे कट करेंगे, कोई भी फ्लावर नहीं रहेंगे, कोई बार्ड्स नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे। चलिए मैं पूरा पहले फ्लावर काट कर लेते हैं। देखिए मैंने पूरा काट कर दिया, जितने बार्ड्स थे फ्लावर थे पूरे काट कर दिए। ये देखिए टोकरी में रखा हुआ है। ऐसे करके आपके पास आपके फ्लावर प्लांट हैं, वो फ्लावर प्लांट में छोटे अगर है उसका जितने भी बार्ड्स होंगे या फ्लावर होंगे सब का आपको डिसबर्डिंग करना है। रोज फ्लावर प्लांट को बड़े करने के लिए अभी आपके पास टाइम है। ये जो टाइम है दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने ये टाइम रहते हैं, इसको आप बुशी बना सकते हैं। इसके बाद फिर जुलाई की लास्ट से अगस्त की महीना, अगस्त सितंबर, आप दोनों महीना में आपको ये काम कर सकते हैं। जुलाई से लेके जो भी बार्ड्स आएंगे फ्लावर आएंगे उस टाइम आप अगर नहीं लेंगे तो उस टाइम से आपका फ्लावर प्लांट का जो ग्रोथ है फिर से बढ़ जाते हैं। हमेशा मैं डिसबर्डिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और हमारे जो रोज़ फ्लावर प्लांट है काफ़ी बुशी हो जाते हैं। ऐसे करके आप अपना रोज़ फ्लावर प्लांट को बुशी कर सकते हैं। सॉयल मीडियम के लिए जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया सेम फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई करना है। साथ में हेल्दी रखिए अपना फ्लावर प्लांट को, तो आपका फ्लावर प्लांट बहुत जल्दी बुशी बनेंगे। अगर अनहेल्दी प्लांट होंगे और सेम फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका फ्लावर प्लांट कभी भी बुशी नहीं बनेगा। चलिए आप और जो करना है, इनके सिंडर मीडिया में लगा हुआ है तो जो करना है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये देखिए कुछ ये 2 महीने बाद, तुरंत नहीं करना है अपने को, 2 महीना बाद यहाँ से सिंडर, कुछ 2 महीना हो गया आपका फ्लावर प्लांट का और आपने चेंजिंग कर दिए है फर्टिलाइजर में। उस टाइम से 12x8 देना जब बंद हो गया हमारा, उस टाइम ये देखिए कुछ शिंडर अपने को निकाल लेना है, लेकिन सॉइल मीडिया में ऐसा नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिए है, और ये देखिए रूट ऊपर तक रूट है, इतनी छोटे प्लांट के ऊपर रूट आ चुके हैं। और अभी इसमें से ये देखिए एक मुट्ठी देना है इसमें। इसमें क्या है रेशियो मैं बता देता हूँ, 3 कटोरी बार्मी कंपोस्ट लीजिए, 1 कटोरी नीमखली, 1 कटोरी बोन मिल, 1 कटोरी हॉर्न मिल। लेने के बाद हमको 6 इंच की पॉट के लिए ओनली 1 मुट्ठी देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ये देखिए वो 1 मुट्ठी हो गया, और इसको अच्छा से पूरे साइड में आप फैला दीजिए ऐसे करके। ये फैल गया। अगर आपके पॉट के साइज बड़े हैं, मान लीजिए 10 या 12 इंच है, तो आपको 3 मुट्ठी, 2 से लेके 3 मुट्ठी देना पड़ सकता है, पॉट के हिसाब से आपको देना है। उसके बाद ये जो शिंडर हमने निकाले थे ये शिंडर से फिर से कवर कर देना है। और फर्टिलाइजर मैंने जो बताया है वो फर्टिलाइजर आपको यूज करना है। ये देखिए ये हो गया, इसमें मैंने काली किया था तो आज और ज़रूरी नहीं है। ये देखिए आप अच्छा से देख पा रहे हैं, इसके साथ जो वाटर दिए थे तो मिक्स हो गया। ऐसे करके जितनी भी शिंडर में लगा हुआ आपका रोज़ फ्लावर प्लांट है सभी प्लांट में आप कीजिए। इनकेस आपने कोई भी प्लांट को नहीं किया ऐसा, तो मैं कहूँगा बड़े प्लांट को भी आप कर दीजिए, 10 से 12 इंच की पॉट में कर दीजिए। जो मैंने रेशियो बताया उसी रेशियो में आप बनाइए और कीजिए। करने के बाद आपका रोज़ फ्लावर प्लांट 1 महीने के अंदर अच्छा बुशी हो जाएंगे।
डिसबडिंग करने से क्या होगा, ये जितनी ब्रांचेस न्यू देख रहा है, सभी ब्रांच, जितने भी ब्रांचेस आपको न्यू दिखाई दे रहा है, सभी ब्रांच मैच्योर होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सभी ब्रांच में फिर से फ्लावर आना स्टार्ट होगा। मैं एक बार फिर से कट करूँगा और उसके बाद मेरा फ्लावर प्लांट बिल्कुल बुशी बन जाएगा और आपका फ्लावर प्लांट भी बुशी बनेंगे। ऐसे ही करके आपको केयर करते रहना है। आप बात करेंगे सॉयल में क्या करेंगे, जब तक आप ये सॉयल चेंज नहीं करेंगे तब तक क्या करेंगे, तब तक आपको ये जो फर्टिलाइजर है यहाँ से कम 3 चम्मच फर्टिलाइजर होना चाहिए। ऐसे करके 3 चम्मच फर्टिलाइजर, ये ऑलमोस्ट 3 चम्मच हो गए और ये मीडिया में हम दे देंगे। देने के बाद हल्का सा गुराई करेंगे यहाँ पर, ताकि ये जो सॉयल में फर्टिलाइजर दिए है सॉयल के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए, देखिए दोनों पॉट में मैंने फर्टिलाइजर दे दिए है, ये देखिए दोनों सॉयल में। इसके बाद हल्का सा गुराई करेंगे, बहुत डीपली गुराई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सॉयल है, सॉयल की ठीक नीचे हमारी रोज फ्लावर प्लांट की रूट आ चुके हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा गुराई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जब वाटरिंग करेंगे, बहुत प्रेशर से वाटरिंग नहीं कीजिएगा, आराम से वाटरिंग करना है, ताकि ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर बिखर ना जाए। एक बार मॉइस्चर होने के बाद फर्टिलाइजर सॉयल के साथ मिक्स हो जाएंगे। ऐसे करके हल्का सा गुराई करना है और हल्की वाटरिंग करें, वाटर ज़्यादा नहीं देंगे। रोज फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर पसंद नहीं है, इसीलिए शिंडर मीडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इसका, सॉयल में होता है। आप अगर सॉयल मीडिया को अच्छी बनाएंगे, इसके बाद इसका जब भी मैं रिपोर्टिंग करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसका जो सॉयल मीडिया है, बेस्ट सॉयल मीडिया कैसे आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में फिर मैं बात करूंगा। एक बार इमिडाक्लोपीड 1 ml पर लीटर वाटर, ठीक नेक्स्ट वीक इंट्रेपीड 1.5 ml टू 2 ml पर लीटर वाटर डिजल्व करें और स्प्रे करें, अल्टरनेट करके स्प्रे करें। फंजीसाइड में आपके पास साफ है, वेविस्टिन है, रिडोमिल गोल्ड है, M45 है, एनी काइंड ऑफ फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ग्राम यानी कि 2 ग्राम पर लीटर वाटर, अगर लिक्विड है, एमिस्टर टॉप है, तो 1 ml पर लीटर वाटर डिजल्व करें और प्लांट के ऊपर स्प्रे करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ध्यान रखना है माइट्स ना लगे, माइट्स लगेंगे तो, इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था, आप देख सकते हैं माइट्स के ऊपर से। और साथ में ठंडे पानी, विंटर में अभी पानी तो ठंडे ही है, गर्मी भी आएंगे तो उस टाइम ठंडे पानी, और अभी जो पानी है आपके पास उसी पानी को स्प्रे करें, एक स्प्रेयर बॉटल में लीजिए और स्प्रे करें, दिन में एक बार या दो बार स्प्रे करें, तो आपका फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा, बुशी रहेगा, हेल्दी होगा। दोस्तों आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।